Hi everyone, my name is Sushma Shree and I have started my career as an accountant and financial consultant. So today I want to share my experiences with all of you. मैंने खुद का एक फॉर्म शुरू किया है जिसका नाम है प्रॉप पे टैक्सेशन, जो कि GST, इनकम टैक्स फाइलिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग रिलेटेड हर वर्क देखती है। इसकी शुरुआत होती है लास्ट ईयर यानी कि 2020 के जुलाई मंथ से। तभी मैं घर बैठे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी और उसी दौरान मुझे एक ऑफर आया कि अकाउंटिंग का वर्क देखना है घर बैठे ही। तो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने हाँ कर दिया उनको। बट उनकी कंडीशंस थी आपको GST इनकम टैक्स फाइलिंग दोनों करना पड़ेगा, दोनों ही आना चाहिए। तो मैंने उससे पहले कभी कोर्स नहीं किया हुआ था, मुझे नहीं आता था बिल्कुल भी। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं सीख लूँगी। तो मैंने सर्च किया तभी कि कहाँ से सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसे सिखाते हैं कि नहीं, स्पेशली ऑनलाइन सिखाते हैं कि नहीं, क्योंकि ऑनलाइन ही सीखना था मुझे। तो उसी दौरान सर्च करना, मैंने गूगल, यूट्यूब, प्ले स्टोर हर जगह पे सर्च किया। तो सर्च कर मुझे एक नाम हर जगह जो दिखा वो था स्मार्ट शेयर्स कॉमर्स एकेडमी बाय CAP जूसर। तो मैंने साथ में वो डाउनलोड किया और वहाँ पे GST का कोर्स अवेलेबल था। तो तीन टाइप के कोर्सेज थे वहाँ पे GST का। तो मैंने सर से पूछा कि कौन सा कोर्स ठीक रहेगा मेरे लिए करना, कौन सा कोर्स मैं कर सकती हूँ। तो सर ने सजेस्ट किया मुझे कि एडवांस लेवल का जो कोर्स है GST एडवांस वो ठीक है। तो मैंने सर एज़ पर सर सजेशन मैंने GST कोर्स एडवांस वाला एनरोल्ड किया और मैंने सीखना स्टार्ट किया। जब फर्स्ट मैंने सीखना स्टार्ट किया तो मुझे GST के फुल फॉर्म के अलावा मुझे GST से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता था। तो मैंने कोर्स ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर लिया था। तो कंप्लीट करने के बाद मेरा जो फाइलिंग का टाइम था, मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, वो कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं नहीं आ रहा था। बट मैंने किया, फाइल किया, अच्छे से फाइल किया। सेकेंड मंथ भी मैंने अच्छे से फाइल किया तो लगा कि नहीं मैं कर पा रही हूँ ठीक से। एक्चुअली सर के जो भी कोर्सेज होते हैं ना, वो सर इतने अच्छे से सिखा देते हैं कि ऑटोमेटिकली वो हो जाता है फाइल करने टाइम कि नहीं कर पा रहे, ऐसे कुछ ठीक से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। और जो नहीं भी आ रहा ना कुछ चीज़, अगर नहीं आ रहा है तो भी सर इतने कागज़ बना देते हैं कि खुद से सर्च करके कर सकते हैं वो चीज़। तो मैंने फाइल किया 1-2 मंथ का GST फाइल करने के बाद ही। सर के जो वीडियो कोर्सेज में वीडियोस होते हैं, वहाँ पे एक और वीडियो होता है जहाँ पे सर सिखाते हैं कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद कैसे अर्न कर सकते हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है इस कोर्सेज के बाद। तो वो वीडियो देख के ही मैंने क्लाइंट ये करना स्टार्ट किया। क्लाइंट ढूंढने के बाद 1-2 क्लाइंट्स मिले जो मुझे GST मुझे करवा रहे थे। उससे मैंने GST कर रही थी मैं, तो एक रिक्वायरमेंट्स थी कि इनकम टैक्स भी सीखना था। तो तभी तक सर ने इनकम टैक्स का कोर्स जो है वो लॉन्च नहीं किया था। तो मैंने पूछा जो प्रोफेशनल जो अकाउंटेंट होते हैं, जो पहले ट्रेडिशनल अकाउंटेंट होते हैं, मैंने उन लोगों से पूछा कि कहाँ से और कैसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स, और मतलब कैसे प्रोसेस इसका होता है। तो उनका रिप्लाई ये था कि नहीं नहीं इनकम टैक्स का फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब CA कर सकता है। बट कहीं ना कहीं था कि नहीं मुझे तो फाइल करना था, जबकि मैंने वहाँ पे हाँ भी बोल दिया था कि हाँ मैं कर लूँगी फाइल। और क्लाइंट्स की भी रिक्वायरमेंट्स थी कि GST, अगर GST के साथ साथ इनकम टैक्स भी फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे ही दौरान सर ने भी खुद का अपना एक इनकम टैक्स का कोर्स लॉन्च किया था स्मार्ट शेयर्स कॉमर्स में ऐप में। तो मैंने इनकम टैक्स कोर्स में अपना एनरोल करवाया। इनकम टैक्स का कोर्स थोड़ा लेंदी था, बट मैंने जो इनकम टैक्स में वहाँ पे जो सीखा, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इनकम टैक्स फाइल कर भी पाऊँगी। मुझे हमेशा लगता था इनकम टैक्स पर बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, मुझसे फाइल तो नहीं होगी वो। देन इनकम टैक्स फाइल किया मैंने, इनकम टैक्स फाइल ऐसे लगा सैलरी पर्सन जो भी था उन सब का मैं इनकम टैक्स फाइल कर रही थी। फर्स्ट फर्स्ट थोड़ा लगा कि नहीं शायद से नहीं कर पाऊँगी, कुछ हो जाएगा, नहीं होगा नहीं पता था, बट हो गया, फाइल हो गया। मैंने फाइल कर दिया, इनकम टैक्स फाइल करना स्टार्ट किया मैंने। तो क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हुए, 1-2 क्लाइंट्स, 3-4 क्लाइंट्स ऐसे मिलना स्टार्ट हुए क्लाइंट्स। तो तभी एक सर का वीडियो आया था कि कैसे अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, कैसे अपने बिज़नेस बढ़ा सकते हैं, कैसे क्लाइंट ला सकते हैं। तो उस वीडियो में सर ने कहा था कि अपना एडवर्टाइज़ करने के लिए, ऑनलाइन एडवर्टाइज़ करने के लिए, ग्रुप वगैरह में पोस्ट करने के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस सब का सोशल मीडिया का यूज़ करने के लिए। तो मुझे लगा कि मेरे पोस्ट कोई देखेगा नहीं देखेगा, मैं ग्रुप में ऐसे रैंडम ग्रुप में पोस्ट करूँगी कौन देखेगा, कहीं ना कहीं था कि मे बी नहीं देखेगा मेरा पोस्ट। बट सर का सजेशन था तो था कि हाँ नेक सर ने जब सजेस्ट किया है तो करना है ये। तो मैंने पोस्ट किया ऐसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब जगह मैंने पोस्ट किया अपने प्रॉपर टैक्सेशंस का। तो पोस्ट करने के साथ साथ ना पहला दिन ठीक था नॉर्मल, तो सेकेंड डे से मुझे कॉल आने लगे। तो मुझे फर्स्ट ऐसा था बिलीव नहीं हुआ कि सच में कोई देखा मेरा पोस्ट। तो मेरा एक था कि मैं जो भी मुझे कॉल करता था मैं पूछती थी उनसे कि आपको कहाँ से पता चला प्रॉपर्टी टैक्सेशंस के बारे में, कहाँ से आपने जानकारी ली। तो उन्होंने बताया पोस्ट से पता चला, किसी ने बताया कि स्मार्ट शेयर्स कॉमर्स एकेडमी का ऐप जब हम लोग डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से आपको रिव्यू से पता चला।
सो मैंने जो अपना प्रॉपर टैक्सेशन का स्टार्ट किया, ऐसे मैंने स्टार्ट ही किया वो अक्टूबर से स्टार्ट करके अभी तक जो मेरे क्लाइंट्स मिले हैं वो ज़्यादातर मेरे क्लाइंट्स ऑनलाइन हैं, सब मुझे ऑनलाइन मिले हैं। मेरे खुद के स्टेट से क्लाइंट्स कम है, मुझे मिला नहीं अभी तक खुद, मतलब जो भी क्लाइंट्स मिले वो मेरे पहले जो क्लाइंट्स हैं वही क्लाइंट्स हैं मेरे खुद के स्टेट से। बट ऑनलाइन मुझे इतने सारे क्लाइंट्स मिले, किसी को GST का वर्क करवाना था, किसी को इनकम टैक्स का वर्क करवाना था, और मैं हैरान थी कि सच्ची में ऑनलाइन इतने क्लाइंट्स मिल रहे थे। बस मुझे लगा कि ऑनलाइन कभी नहीं मिल सकते हैं क्लाइंट्स, क्योंकि ऑलरेडी ऑनलाइन कौन देखता है, सब फिर ये होते हैं करवा लेते हैं वो खुद के स्टेट से ही। बट ऑनलाइन मुझे क्लाइंट्स मिल रहे थे वहाँ पे, तो तभी उस दौरान मुझे ऑनलाइन जो भी क्लाइंट्स मिल रहे थे, क्लाइंट्स का एक रिक्वायरमेंट था कि जो भी आपसे इनकम टैक्स करवाते थे ना, तो उनको था कि इन्वेस्ट कहाँ करवाए, कैसे सेव करवाए, इन्वेस्टमेंट्स क्या थी, इन्वेस्टमेंट्स से बहुत नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो मैंने तभी से कहा, मुझे लगा इन्वेस्टमेंट की भी नॉलेज होनी ज़रूरी है, तो मैंने म्यूचुअल फ़ंड का भी कोर्स लिया, म्यूचुअल फ़ंड का कोर्स कर लिया मैंने, वो ख़त्म किया मैंने। तो ऐसे सब कोर्सेज, सब के जो भी कोर्सेज होते हैं एक्चुअली मोर देन कोर्सेज, वो आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाता है कि कैसे आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। एंड मैंने GST का जो कोर्स लिया था वो जुलाई का मंथ था, तो जुलाई के मंथ में भी मैंने अपना फॉर्म नहीं स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे सब उनका अकाउंटिंग का वर्क पहले जो मुझे मिला था, मैं सब वही मेरा मोटिव था कि मुझे उनका करना है सिर्फ, मैं वही करने के लिए GST का कोर्स मैंने परचेज़ किया था तभी। पर GST का कोर्स लेने के बाद मुझे एक दो क्लाइंट मिले, तो देन मुझे लगा कि नहीं, इनकम टैक्स का भी मुझे सीख लेना चाहिए अच्छे से, और रिक्वायरमेंट्स भी थी, तो मैंने इनकम टैक्स का कोर्स लिया। जो मैंने इनकम टैक्स का कोर्स लिया था वो मैंने अगस्त में लिया। तो और मैंने स्टार्ट जो किया अपना वर्क करना प्रॉपरली, वो अक्टूबर के मंथ से मैंने स्टार्ट किया अपना प्रॉपर टैक्सेशन के नाम से। तो उसके बाद मैंने ऐसे म्यूचुअल फंड का कोर्स लिया उसके बाद, तो ऐसे मुझे कोर्स और प्रॉपरली टाइम मुझे 4 मंथ्स ही हुए हैं इसमें। बट क्लाइंट्स मुझे इतने मिले इतना टाइम तक कि मुझे लगा कि नहीं, फर्स्ट मुझे लगता था कि क्लाइंट्स नहीं आते होंगे ऐसे, कि मुझसे कौन कोई काम करवाएगा, कोई मुझे जानता नहीं है, मेरी इतनी फील्ड नहीं है। बट जैसे सर ने कहा ना, पोस्ट करने के लिए, यहाँ सोशल मीडिया का यूज़ करने के लिए, तो इस सबसे इतने क्लाइंट्स मिले मुझे। सबसे मैं पूछती थी क्योंकि मुझे जाना था कि कहाँ से देख के पता चल रहा है उन लोगों को, तो सब बताते कि ऑनलाइन यहाँ देखा पोस्ट, यहाँ पे देखा पोस्ट, या किसी ने शेयर किया होगा, तो ऐसे करके क्लाइंट्स मुझे मिल रहे थे। और मेरे कोर्स कम्प्लीट हो गए थे इनकम टैक्स का भी तभी तक, तो मैं कर पा रही थी फाइल, अभी तक मैं अच्छे से फाइल कर लेती हूँ, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं सर से ही पूछती हूँ जाके। अभी तक तो मेरे जो भी कोर्सेज कंप्लीट हुए हैं वो है GST, इनकम टैक्स एंड म्यूचुअल फंड, इन तीनों कोर्सेज मैंने कंप्लीट कर लिया है, और भी मुझे कोर्सेज करने हैं कुछ। तो ये सारे जो कोर्सेज थे, ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने जो अपना स्टार्ट किया प्रॉपर टैक्सेशन, स्टार्ट किए हुए 4 मंथ्स पे है, जो कि मैंने GST का कोर्स लिया था इन द मंथ ऑफ जुलाई, उसके बाद इनकम टैक्स का कोर्स किया था अगस्त। इनकम टैक्स का कोर्स करने मुझे 2 मंथ्स लग गए थे ऑलमोस्ट, और उसके बाद म्यूचुअल फंड का कोर्स बहुत छोटा था, मेरा 1 मंथ के अंदर ही कंप्लीट हो चुका था वो कोर्स। तो ये सब कंप्लीट होने के पहले ही एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया अपना अक्टूबर से प्रॉपर टैक्सेशन, और मुझे तभी से क्लाइंट ऑनलाइन सार जगह से मिलने लगे, खुद के स्टेट से भी थे, तो ऑनलाइन मुझे एक्चुअली ज़्यादा मिल रहे हैं क्लाइंट्स, खुद के स्टेट से ही कम है मेरे क्लाइंट्स, ऑनलाइन ज़्यादा है मेरे। एक्चुअली सर का जो भी कोर्सेज होता है ना, वो कोर्सेज ज़्यादा एक्चुअली फुल प्रूफ ट्रेनिंग होता है, तो स्टार्ट अ करियर एज एन अकाउंटेंट, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये स्टार्ट करूँगी, इस प्रोफेशन में आऊँगी। बट मैंने जब सर का कोर्स स्टार्ट किया, तो मेरा मेन मोटिव यही था कि मेरा जो वर्क था अकाउंटिंग का वो मैं अच्छे से कर लूँ, एक ही था। तो बट देन जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ, जैसे जैसे मैंने सीखा, सर का जो वीडियो था वो देख के मुझे लगा नहीं, मैं खुद का अपना एक फार्म स्टार्ट करना चाहिए, तो अभी मैंने स्टार्ट किया प्रॉपर्टी टैक्सेशन के नाम से। एंड स्टार्ट किया तो मुझे लगा नहीं, मुझे अभी और आगे जाना है, मुझे और क्लाइंट्स बढ़ाने हैं, अपनी प्रॉपर्टी टैक्सेशन का नाम और आगे जाना चाहिए, मुझे करना है इसी फील्ड में। और इस फील्ड में करके था कि मैं जो क्लाइंट्स को हैंडल कैसे करते हैं, वो पहले कुछ भी नहीं आता था कि क्लाइंट के साथ कैसे बात करते हैं, लेकिन सर ने अपने हर कोर्स में सिखाया वो सब कुछ भी, कैसे क्लाइंट को हैंडल करते हैं, कैसे क्लाइंट के साथ बात कर सकते हैं, कैसे न्यू क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ से अप्रोच करना होता है। सर का हर एक कोर्स में ट्रेनिंग, इतनी फुल प्रूफ ट्रेनिंग मिल जाती है। तो अभी तो यही है कि नहीं, इसे और आगे लेके जाना है प्रॉपर्टी टैक्सेशन को, और अपने प्रोफेशन में, इसी प्रोफेशन में रह के इस्टेब्लिश करना है इस चीज़ को।